खड़ा होकर के पब्लिकली पूरी की पूरी भाजपा के झूठों की जमात को चैलेंज करते हैं कि अगर हमने गलत किया है तो चौराहे पे खड़ा करके तुम मुझे गोली मार सकते हो, लेकिन अगर तुम गलत कर रहे हो तो इस बात को याद रखना कि तमाम धन दौलत और गोला बारूद के बावजूद इस देश में तुम सत्य की आवाज को नहीं झुका सकते हो। हम कसम खाते हैं, महाराष्ट्र का इस महान भूमि पे कसम खाते हैं कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता इस देश में सद्भावना को हम बचा करके रखेंगे, तुम्हारी पूरी ताकत को परास्त करेंगे, इस बात को याद रखना। एक गुजरात के गांधी सूट खोल दिए देश के लिए, एक गुजरात के मोदी 10 लाख का सूट पहन लिए दोस्त के लिए, यही हकीकत है ना। और कहते हैं कि एक गरीब प्रधानमंत्री बन गया है तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं नहीं बहुत अच्छा लग रहा है, बस हम ये चाहते हैं कि जैसे आप गरीब हैं ना वैसा ही गरीब इस देश का हर कोई बन जाए, हर कोई वैसा ही गरीब बन जाए कि चढ़ने के लिए उसके पास 8.5 करोड़ का हवाई जहाज हो, 15 करोड़ का कार हो, 10 लाख का सूट हो, 5 लाख का चश्मा हो, 2.5 लाख का कलम हो। हम चाहते हैं कि ऐसी गरीबी पूरे देश को मिल जाए। चोरी, इसको चोरी कहते हैं, इसको बेईमानी भी कहते हैं। मैं आपके सामने बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2022 तक सबको पक्का मकान मिल जाएगा, मिल गया कि नहीं मिल गया? नहीं मिला तो मतलब प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं क्या? या तो आप लोग झूठ बोल रहे हैं या प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। कौन झूठ बोल रहा है? प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है तो हम बोल सकते हैं ना कि भारत का प्रधानमंत्री झूठा है? बोलिए, नंगा को नंगा कहेंगे कि नहीं कहेंगे? झूठा को झूठा कहेंगे कि नहीं कहेंगे? और हम कहेंगे जो झूठ बोलेगा उसको झूठा। और तुम्हारे इलेक्शन डिपार्टमेंट में कितना दम है वो हम देखे हैं। जब आ रहे थे ना कोल्हापुर सिटी से मसाल के पीछे पीछे तो कोल्हापुर का जेल देखते हुए आए हैं, जगह है कितनी जेल में तेरे देख लिया है, देखेंगे, देखे हुए हैं। बोलेंगे झूठ, झूठा हो तुम, तुमने झूठ बोला है इस देश की जनता से, तुमने झूठ बोला कि हम इस देश के एक एक इंसान के खाते में 15 लाख रुपया पहुंचाएंगे, तुमने झूठ बोला कि हर साल 2 करोड़ नौकरी पैदा की जाएगी, तुमने झूठ बोला कि किसानों की आमदनी दोगुनी की जाएगी, तुमने झूठ बोला कि 2022 तक सबको पक्का मकान मिल जाएगा, तुमने झूठ बोला कि महंगाई को कम करेंगे, तुमने झूठ बोला कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार को कम करेंगे। तुम इस देश की जनता से झूठ बोल रहे हो और तुम्हारी ताकत है झूठ बोलना। तो याद रखना कि तुम अगर झूठ के रास्ते पर चल सकते हो, फिर से इस देश को गुलाम बनाने की साजिश रच सकते हो, जिन अंग्रेजों की चापलूसी करते थे आज उन्हीं दोस्तों के साथ खड़ा होकर के अगर उस देश में तुम कंपनी राज लाना चाहते हो तो तुमको बता देना चाहते हैं कि हम भी महात्मा गांधी के राह पे चलने वाले लोग हैं, तुम्हारे झूठ का मुकाबला सच से करेंगे और तुम्हारे झूठ को हराएंगे। कि इनको मालूम है कि ये जिस व्यक्ति को अपना दुश्मन चुन लिए हैं ना, पहली बात तो ये वो व्यक्ति इनको अपना दुश्मन मानता ही नहीं है, क्योंकि ये आदमी ही उस लेवल के नहीं है, सच बात बता रहे हैं आपको। और दूसरा, इन्होंने सब कुछ कर लिया, खरीदने की कोशिश कर ली, डराने की कोशिश कर ली, सब कुछ करने के बाद ये इस नतीजे पर पहुंचे हैं, भाई ये इंदिरा गांधी का पोता है, मर जाएगा, झुकेगा नहीं। जिस परिवार ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए दो दो प्रधानमंत्री की जान गवाई हो उसको टुकड़े टुकड़े गैंग बोलते हो? अरे जब बोलते हो ना तो शर्म से तुम्हारा जुबान कट जाना चाहिए अपने आप। अगर शर्म होती ना तो यह बोलने की हिम्मत नहीं करते। नेहरू के बारे में व्हाट्सएप मैसेज फैलाते हो कि नेहरू ने इस देश को बर्बाद कर दिया। अगर नेहरू नहीं होते ना, एक इंसान को एक इंसान के वोट का अधिकार नहीं मिला होता ना, तो आपको लगता है मोदी जिस गर्व से कहते हैं कि मेरी मां बर्तन मांजती थी तो बर्तन मांजने वाली का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन पाता? संभव था ये? अगर कांग्रेस 70 साल तक इस देश की जमहूरियत को बचा करके नहीं रखती तो जयशाह का बाप तरीपार होने के बाद देश का गृहमंत्री बन पाता? खेला कर रहे हो। यह जो नकली चाणक्य है ना, नकली चाणक्य को पहचानते नहीं? अरे वही
फादर ऑफ जैसा, वो अपने आप को जो है चाणक्य कहते हैं। वो चाणक्य जो है ना सूटकेस लेकर के घूमते रह जाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है कि महाराष्ट्र के लोग इनके झूठ को धूल चटाएंगे, इनको जरूर हराएंगे, इस बात का हमको भरोसा है। भाजपा का जो इलेक्शन डिपार्टमेंट है ना, इलेक्शन डिपार्टमेंट ईडी, पूरी सरकार ही चल रही है ईडी और सीडी पे। या तो ईडी भेजते हैं या सीडी भेजते हैं। तो जिसका ईडी और सीडी नहीं है वो सच्चा है, जिसका ईडी और सीडी है वो झूठा है, वो झूठ के साथ जाकर के खड़ा है। ये इतिहास नहीं बना सकते हैं। आपको मालूम है देश के जो पंत प्रधान हैं, जिनको हिंदी में हम लोग प्रधानमंत्री कहते हैं, वो इतिहास में फेल हो गए थे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, क्योंकि मैं भाजपा में नहीं हूं, मैं सच बोल रहा हूं। वो इतिहास में फेल हो गए थे। और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक बड़ी मजेदार बात कही है। उन्होंने कहा है कि जो पीढ़ी अपना इतिहास भुला देती है, इतिहास भी उसको भुला देता है। इसीलिए ये इतिहास जब बना नहीं सकते हैं तो इतिहास को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। जो अपना मकान बना नहीं सकते, दूसरे की मकान पे अपना नाम लिख करके कहते हैं कि हमने इतिहास बनाया है। अरे साहब, आपने तो इंसान को इंसान नहीं बनाया है, आप इतिहास क्या बनाएंगे? झूठ के सहारे ये एक इमारत खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, झूठ का सहारा लेकर के ये इतिहास को पलटने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनका इतिहास खराब है, क्योंकि इनका इतिहास इस देश के साथ गद्दारी करने का इतिहास है। इनका इतिहास, इस देश के लोग जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे तो उनके साथ चाय पर बैठ करके चर्चा करने का इतिहास है। इनका इतिहास अंग्रेजों की जासूसी करने का इतिहास है। ये लोकतंत्र है। एक बात बताइए, इंदिरा जी चुनाव नहीं लड़ी थी? लड़ी थी ना। राजीव जी चुनाव नहीं लड़े थे? लड़े थे ना। राहुल जी चुनाव लड़ रहे हैं ना? राहुल जी चुनाव जीत करके पार्लियामेंट में है ना। और प्रियंका जी चुनाव नहीं लड़ी है तो पार्लियामेंट में है क्या? तो यह परिवारवाद की नई कहानी हमको सुना रही है। तो आप सब अपने मन में विचार कीजिए, आजाद होने का मतलब है आजाद ख्याल से प्रश्न करना। मैं मंच पे खड़ा हूं तो मैं जो भी बोलूंगा उसको आप यूं ही सच मत मान लीजिए। आप अपने मन में विचार कीजिए कि अगर भाजपा कहती है कि राहुल गांधी जी का सांसद बनना परिवारवाद है, तो अमित शाह का जो बेटा है, देखें उसका मुंह देखें, अजय शाह का है? उसका बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनना परिवारवाद है कि नहीं है? और ज्योतिरादित्य सिंधिया जब यूपीए में मंत्री थे, उनके पिताजी भी मंत्री थे, माधवराव सिंधिया, तो जब तक वो कांग्रेस में थे तब तक परिवारवाद था। जो ही मोदी जी के बगल में जाकर के बैठ गए हैं तो ताली बजा रहे हैं। आह हा हा हा, उनकी सूरत देख रहे हैं? इतना मूर्ख हैं हम लोग, इतना मूर्ख बनाएंगे ये हमको कि हमारी पार्टी में परिवारवाद है। जो ही आप आरएसएस में शामिल हो जाइएगा तो वो संघ परिवारवाद हो जाता है। अगर परिवारवाद गलत है चचा, तो संघ परिवारवाद भी गलत है। ऐसा नहीं होगा कि हमारे लिए परिवारवाद गलत है और आपके लिए परिवारवाद सही हो जाएगा। मैं ये एग्जाम्पल हमेशा लोगों को देता हूं कि सोनिया जी का कांग्रेस में होना और राजीव जी का कांग्रेस में होना परिवारवाद है, तो मेनका गांधी जी का और वरुण गांधी जी का भाजपा में होना परिवारवाद कैसे नहीं है? बताइए, बोलिए, बेवकूफ बना रहे हो? तुम्हारा खेल हम समझते हैं। और इसका खेल जानते हैं हम क्यों समझते हैं? क्योंकि हम, हमारे जैसे लोग राजनीति को कभी अपना कैरियर नहीं समझते हैं। अंग्रेजों से इन्होंने एक चालाकी सीखी है, फूट डालो राज करो। ये पहले क्या करते हैं, ये पहले ईडी भेजते हैं, इलेक्शन डिपार्टमेंट पहले जाता है, नेता को डराता है। अगर नेता डर गया तो तुरंत उसको भाजपा का खेस पहना करके उसके सारे अपराध को माफ करके, जैसे मान लीजिए पीएन पाटिल साहब और बंटी जी यहां बैठे हुए हैं, इनके घर पे भी कोई आया था मेहमान, इनको डराया था, तो जो ही ईडी जाती है तो ये चिल्लाना शुरू कर देते हैं, चोर है चोर है चोर है, डर करके। जो ही अगर ये भाजपा में गए, साधु है साधु है साधु है, संत है महात्मा है,
अरे कमाल बात है भाई, ये आपकी आंख के सामने हो रहा है कि आप किसी को चुन करके किसी पार्टी का प्रतिनिधि बना करके आप भेजते हैं अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए विधानसभा या विधान परिषद या संसद में। उधर से उसका इलेक्शन डिपार्टमेंट आता है, तीन चार बार छापा मारता है। नेताजी अगर डर गए तो भाजपा ही हो लिए, अगर नहीं डरे तो कांग्रेस में रहे। तो आपको यह तय करना पड़ेगा कि इसका मुकाबला किसको करना है, इसका मुकाबला दल को करना है कि इसका मुकाबला देश को करना है। इसका फैसला आपको लेना है। और हमको लगता है कि यह बड़ी साजिश है। यह बड़ी साजिश इसलिए है कि इस देश में विपक्ष को इसलिए खत्म कर देना चाहते हैं ताकि देश के नाम पे जो इनके दोस्त की लूट है उस पे कोई सवाल ना खड़ा कर सके। आप सब में से बहुत सारे लोग यहां जो बैठे हुए हैं, मुझे मालूम है कि आपको व्हाट्सएप पे मेरे लिए भी मैसेज आया होगा। जानते हैं हमको क्या बोलते हैं? टुकड़े टुकड़े गैंग। जब ये बोलते हैं तो खुद ये नहीं सोचते हैं कि ये अपने ही गृह मंत्री को निकम्मा बोल रहे हैं। बोलिए किसकी सरकार है देश में? भाजपा की। क्या जी पुलिस वाले भैया सब ठीक है ना? है हिम्मत, है हिम्मत, करोगे कुछ? हमारा कुछ नहीं कर सकते हो क्योंकि हम तुम्हारे इलेक्शन डिपार्टमेंट से नहीं डरते हैं। मेरा कुछ नहीं कर सकते हो, इसीलिए खड़ा होकर के पब्लिकली पूरी की पूरी भाजपा के झूठों की जमात को चैलेंज करते हैं कि अगर हमने गलत किया है तो चौराहे पे खड़ा करके तुम मुझे गोली मार सकते हो, लेकिन अगर तुम गलत कर रहे हो तो इस बात को याद रखना कि तमाम धन दौलत और गोला बारूद के बावजूद इस देश में तुम सत्य की आवाज को नहीं झुका सकते हो। हम कसम खाते हैं, महाराष्ट्र का इस महान भूमि पे कसम खाते हैं कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता इस देश में सद्भावना को हम बचा करके रखेंगे, तुम्हारी पूरी ताकत को परास्त करेंगे। इस बात को याद रखना। है हिम्मत, डरा लोगे? याद रखना, जिस इंसान के पास विचार की ताकत होती है, जिस दल के पास विचार का इतिहास होता है, उस दल को तुम झुका नहीं सकते हो। उनकी कोशिश रहेगी कि वो इधर उधर की बात करेंगे, उनकी कोशिश रहेगी कि इतिहास का झूठ आपके सामने ला करके परोसेंगे, उनकी कोशिश रहेगी कि आपको डराने का कोशिश करेंगे। डर का मैसेज आता है कि नहीं आता है? डर का मैसेज आता होगा कि अब्दुल को 11 भाई बहन है, यह मैसेज आता है कि नहीं आता है? कल को अगर मुसलमान ज्यादा हो गए तो यहां संविधान समाप्त हो जाएगा और सरिया कानून लागू हो जाएगा, ऐसा मैसेज व्हाट्सएप पे आता है कि नहीं आता है? आता है ना? यह डर क्यों फैलाया जाता है? यह डर इसलिए फैलाया जाता है ताकि आप यह ना सोच सकें कि अंबानी की एक दिन की आमदनी में 75 लाख मनरेगा मजदूरों को वेतन दिया जा सकता है, ताकि आप यह ना सोच सकें कि अदानी के सेल कंपनी में 20,000 करोड़ किसके हैं, ताकि आप यह ना सोच सकें कि देश का 99% ठीका एक परिवार को दिया जा रहा है, ताकि आप यह ना सोच सकें कि परिवारवाद इधर गलत है और परिवारवाद उधर सही हो जाता है।